हेलो एवरीवन सो इन दिस वीडियो वी विल सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस ऑन स्ट्रिंग तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं हाउ टू आइट्रेट ओवर अ स्ट्रिंग या फिर लूप ओवर अ स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग के ऊपर आप लूप कैसे रन करोगे तो हम लोगों ने लूप के बारे में भी अच्छे से देख लिया वाइल्ड लूप फॉर लूप नेस्टेड लूप एंड देन इफ एल्स नेस्टेड इफ एल्स तो ये सारे कंसेप्ट देख लिए स्ट्रिंग देख लिया लिस्ट देख लिया है तो इन सब पे वीडियो बनाइए आप एक बार जाके देख लो देन अब हम प्रॉब्लम सब सॉल्व करेंगे तो आपको इन सबको साथ में यूज़ करना अच्छे से आ जाएगा तो पहले एक बार देख लेते स्ट्रिंग के ऊपर आप लूप कैसे लगाओगे तो जैसे हम लोगों ने देखा है स्ट्रिंग इज़ अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर और सीक्वेंस ऑफ यूनिकोड कैरेक्टर तो उस कैरेक्टर में आपका कुछ भी हो सकता है जैसे हम ले लेते एक्वल टू हेलो एवरी तो एक हमने ये स्ट्रिंग ली है तो इसमें आपके पास मल्टीपल एलिमेंट्स हैं अंदर मतलब एच ई एल एल ओ मल्टीपल कैरेक्टर्स है अल्फाबेट है देन स्पेस है इसमें आपका वन टू थ्री एंड में दे दिया बाद में आपने एट द रेट हैश एक्सक्लिमेशन मार्क तो ये क्या है अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर कैरेक्टर कैन बी एनी यूनिकोड कैरेक्टर तो यहाँ पे अब हर एक पे कैसे जाएंगे आप प्रिंट ए करोगे प्रिंट ए किया तो पूरा का पूरा, पूरा प्रिंट हो गया और फिर हमने देखा था इसमें स्लाइसिंग एंड इंडेक्सिंग करके आप पर्टिकुलर एलिमेंट या फिर एक सब पार्ट को आप एक्सेस कर सकते हो तो उसके बाद हम अब आज देखेंगे इस पर लूप कैसे रन करेंगे तो लूप लगाने के लिए सिंपली आप इंडेक्स का यूज़ करोगे हर एक कैरेक्टर का अपना एक इंडेक्स है जैसे यहाँ पे था हैश देके के ज़ीरो वन टू थ्री फोर स्पेस का फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ऐसे आपका चलता रहेगा टेन इलेवन ट्वेल्थ थर्टीन फोटीन सो ऑन और यहाँ से राइट साइड से माइनस आपका माइनस वन टू थ्री फोर तो लूप कैसे लगाएंगे हम लोग फॉर आई इन रेंज तो लूप को हमने वीडियो बनाया एक बार आप देख लो तो हमारा जो भी इंडेक्स है स्टार्ट्स विद ज़ीरो तो स्टार्टिंग विथ ज़ीरो हम कहाँ तक जाएंगे उसका लेंथ तक जाएंगे मतलब अगर यहाँ पे आपका होता है फिफ्टीन तो ज़ीरो टू फिफ्टीन तो जीरो टू फोर्टीन आपका चल जाएगा तो यहाँ पे हम लोग दे लेते हैं आपको लेंथ कैसे पता चलेगी एक लेंथ फंक्शन आता है एल ई एन जी टी एच लेंथ इक्वल टू एल ई एन लेंथ ऑफ ए तो इससे क्या होगा आपका uh, जो स्ट्रिंग का पूरा लेंथ है आपको मिल जाएगा इसमें जितने भी कैरेक्टर है फॉर एग्जाम्पल हम लोग सिर्फ इतना लिखते हैं अभी हेलो वन टू थ्री तो आपके पास कितनी लेंथ कितनी हो जाएगी ज़ीरो टू एट मतलब आपका लेंथ आएगा नाइन तो इसमें लेंथ में क्या आ जाएगा नाइन तो यहाँ पे आप सीधा नाइन दे दो तो ज़ीरो टू एट चल जाएगा या फिर आप यहाँ पे सिंपली ये यहाँ पे लिख सकते हो कॉपी तो यहाँ पर एक्स्ट्रा लिखने का ज़रूरत नहीं है तो ज़ीरो टू आपका लेंथ तक चलेगा <coughs> उसके बाद हम लोग कैसे प्रिंट करेंगे सिंपली प्रिंट आपका ए स्ट्रिंग है ए का आइत वैल्यू ए का आइत वैल्यू हमने प्रिंट कर दिया कॉमा हम साथ में आई भी दिखा देते हैं कि इस इंडेक्स पे ये कैरेक्टर है तो इसको एक बार प्रिंट करते हैं तो एच आपका कैरेक्टर कहाँ पे जीरो ज़ीरो इंडेक्स पे हम दिखा रहे हैं स्ट्रिंग uh, का वो कैरेक्टर आइत वैल्यू पे एंड दैट आई वैल्यू देन जब आई का वैल्यू वन है तो कैरेक्टर ई e है आई का वैल्यू टू है तो कैरेक्टर एल है आई का वैल्यू फोर है तो कैरेक्टर आपका ओ है फाइव पे आपका स्पेस है तो ऐसे आपको ये सारे इंडेक्स बाय इंडेक्स आपको सारे कैरेक्टर दिख गए तो ऐसे हम लोगों ने क्या किया ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग पे हमने लूप रन किया और हर एक कैरेक्टर को इंडिविजुअली देखा तो इसके बाद जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें क्या है आपको हर एक कैरेक्टर पे कुछ कंडीशन लगानी है तो उसमें हम लोग ऐसे एक्सेस करेंगे तो ए ऑफ आई तो ये एक वन वे होता है ऑफ गोइंग ओवर कैरेक्टर्स एक और वे क्या हो जाएगा हमने इसमें क्या किया था आपने रेंज फंक्शन का यूज करके आई में आपके पास न्यूमेरिक वैल्यूज आ रही है आई में आपके पास न्यूमेरिक वैल्यू आ रही है और ये न्यूमेरिक वैल्यू कौन सी ले रहे हो आप आ, इस स्ट्रिंग का लेंथ मतलब जीरो से लेके हर एक इंडेक्स पे आप जा रहे हो दूसरा वे हो जाएगा आपका आ, सीधा आप कैरेक्टर पे ही एक्सेस कर रहे हो तो फॉर आई इन सीधा ए हमने यहाँ पे लूप किस पे लगा दिया सीधा का सीधा स्ट्रिंग पे लगा दिया तो इसमें क्या हो रहा है आई में अब वन टू थ्री फोर नहीं जा रहा वो रेंज की हेल्प से पहले जीरो वन टू थ्री फोर जा रहा था अब हम i में क्या जाएगा सीधा a का एक एक कैरेक्टर पहले h चला गया देन e चला गया देन l चला गया l o स्पेस वन टू थ्री तो अगर हम करते प्रिंट i तो i में अब क्या जा रहे हैं सीधा डायरेक्टली कैरेक्टर जा रहे हैं एक एक कैरेक्टर जा रहा है एट अ टाइम हमने प्रिंट किया तो यहाँ पे आपका चला गया एच ई एल एल ओ वन टू थ्री स्पेस तो यहाँ पे टू वेज है दो वे है आपके पास करने का आप एक तो सारे इंडेक्स को एक्सेस करके ए ऑफ दैट इंडेक्स मतलब ए का उस इंडेक्स पे क्या वैल्यू वो आप दिखा सकते हो एल्स आप सीधा का सीधा स्ट्रिंग पे आपने लूप लगाया तो आपको आई में जो है लूप वेरिएबल में सीधा आपके पास कैरेक्टर आएंगे एच ई -E एल एल ओ और रेंज लगाते थे तो आपके पास इंडेक्स आता था जीरो वन टू थ्री फोर देन अंदर जाके आप प्रिंट में ए ऑफ दैट इंडेक्स ए ऑफ वन ऑफ टू ए ऑफ थ्री तो वैसे आपको एच ई एल एल ओ ऐसे आपको मिल जा रहा था तो ये दो वे है इसको मैं आ, कमेंट कर देता हूं और इसके बाद हम लोग फिर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे सो so, किसी भी वे में आप कर सकते हो पहला प्रॉब्लम हम देख लेते हैं काउंट नंबर ऑफ लोअर एंड अपर केस कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग तो लोअर एंड अपर केस कैरेक्टर को हमें काउंट करना है तो सिंपली अगर आप लेंथ फाइंड करोगे तो आपको सारे कैरेक्टर मिल जाएंगे अगर अभी हमें चेक करना है कि लोअर केस कौन से कौन से अपर केस कितने हैं इसमें आपको स्पेस काउंट नहीं करने डिजिट्स काउंट नहीं करने जो स्पेशल कैरेक्टर है सिंबल है एट द रेट ये सारे सिंबल्स को भी काउंट नहीं करना सिर्फ अल्फ़ाबेट्स और वो भी अपर एंड लोअर केस और दोनों को इंडिविजुअली दिखाना है तो यहाँ पे हम लोगों ने स्ट्रिंग ले ली है गुड मॉर्निंग वन टू थ्री तो इसमें हम काउंट करेंगे कितने अपर केस कैरेक्टर है एंड कितने लोअर केस कैरेक्टर है तो काउंट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे एक दो वेरिएबल बना लेंगे u जिसमें हम अपर केस का काउंट स्टोर करेंगे एंड l जिसमें हम लोअर केस का स्टोर करेंगे इन दोनों को हम जीरो कॉमा ज़ीरो हमने डिफाइन कर दिया अब हम क्या करेंगे जो स्ट्रिंग है a इस पर लूप लगा लेंगे तो आप इस वे में भी कर सकते हो इंडेक्स पे हर एक इंडेक्स पे जाके ऑफ आई को चेक करोगे या फिर सीधा कैरेक्टर पे जा सकते हो तो हम लोग सिंपली हर एक कैरेक्टर पे चले जाते फॉर सी एच इन दिस स्ट्रिंग तो लूप वेरिएबल का नाम मैंने सी एच दे दिया आप कुछ भी दे सकते हो इट इज़ अ वेरिएबल तो आप कोई भी नाम दे सकते हो तो इफ़ हम चेक करेंगे हर एक कैरेक्टर को अपर है तो यू हमने बढ़ा दिया अगर लोअर है तो हमने एल बढ़ा दिया तो इफ़ सी एच डॉट अब हमने फंक्शंस देखा था इज लोअर इज़ अपर इज वाले सारे फंक्शन का वीडियो हमने बनाया है तो वो आप चेक कर लीजिए एक बार तो हम फंक्शन कैसे अप्लाई करेंगे इज अपर तो इज अपर फंक्शन क्या करता है सी एच डॉट इज अपर तो इज अपर चेक करेगा जो आपका सी एच कैरेक्टर है इसमें सी एच में जो भी कैरेक्टर है वो अपर केस है तो ट्रू देगा अगर अपर केस नहीं है तो फॉल्स देगा तो वही इफ एल्स हो गया ये इफ सी एच इज़ अपर तो सी एच अगर अपर है आपका तो इफ़ के अंदर जाके हमने अपर केस को एक से बढ़ा दिया यू प्लस इक्वल टू वन तो ये शॉर्ट फॉर्म होता है लिखने का यू इक्वल टू यू प्लस वन का यू इक्वल टू यू प्लस वन का ये शॉर्टकट रहता है तो फुल हम हमने ऐसे लिखा इफ सी एच डॉट इज अपर तो अगर ये ट्रू हो गया तो आपने अपर वाले वेरिएबल को बढ़ा दिया नेक्स्ट एल इफ़ अब हम लोअर के लिए भी चेक कर लेते हैं सेम वे में सी एच डॉट इज लोअर अब अगर वो कैरेक्टर अपर नहीं है वो फॉल्स हो जाते तो हम नीचे आए हमने चेक किया इफ लोअर है कि नहीं लोअर हो गया तो हमने एल को बढ़ा दिया एल प्लस इक्वल टू वन तो अगर लोअर होगा तो यहाँ पे अगर ट्रू हो गया तो एल बढ़ जाएगा अगर अपर रहेगा तो यू बढ़ेगा अगर दोनों नहीं है तो कुछ नहीं होगा क्योंकि इसके बाद हमने एल स्पार्ट या एल एफ़ कुछ नहीं दिया तो उसके बाद सी एच नेक्स्ट कैरेक्टर लेगा फिर उसको हम चेक करेंगे देन सी एच नेक्स्ट कैरेक्टर लिया उसको हमने चेक किया फिर लूप के बाहर आके हम लोग बाहर मतलब एकदम नीचे यहां से एकदम लेफ्ट मोस्ट से यहाँ पे हम जाके प्रिंट कर देंगे अपर केस कैरेक्टर इक्वल टू यू एंड लोअर केस कैरेक्टर इक्वल टू एल तो इसको हम लिख देते हैं अपर केस कैरेक्टर इक्वल टू यू एंड लोअर केस कैरेक्टर इक्वल टू एफ लोअर केस कैरेक्टर इक्वल टू एल तो यहाँ पे लोअर का हम लिख देते हैं तो ये क्या होता है आपका ऐसे लिखना तो आपने स्ट्रिंग के अंदर एक वेरिएबल को डिफाइन कर दिया जो भी वेरिएबल आपको वैल्यू दिखानी है उसको आप करली ब्रैकेट में दिखाओ और ये इसको पूरा आपने कोर्ट्स में दिया है और कोर्ट्स के बाहर जस्ट एफ तो ये फॉर्मेट कर देता है स्ट्रिंग को तो इसमें जहाँ पे भी इसको कर्ली ब्रैकेट दिखे तो उसके अंदर जो भी आ, वेरिएबल है उसकी वो वैल्यू दिखा देगा तो यू के बजाय ये दिखाएगा यू में जो भी नंबर रहेगा एल के बजाय एल में जो भी नंबर रहेगा तो आपको मैसेज दिखाएगा अपर केस कैरेक्टर इज़ टू एंड लोअर केस जितना भी रहेगा इसके अकॉर्डिंग तो इसमें जी और एम ये दो अपर केस है बाकी ये तीन और ये छः सात आपके लोअर है और ये इन सबको स्पेस को वन टू थ्री को यहाँ स्पेस को इग्नोर कर देगा तो इसको रन करते हैं तो आपको आउटपुट आ गया अपर केस कैरेक्टर इक्वल टू अब यहाँ पे था करली ब्रैकेट में यू तो यू में जो वैल्यू थी वो अपनी प्रॉपर वैल्यू से रिप्लेस हो गई तो अब आप ऐसे एक सिंगल स्ट्रिंग में आप वेरिएबल एज वेल एज मैसेज दिखा सकते हो देन लोअर केस कैरेक्टर इक्वल टू नाइन तो यहाँ एल में क्या आ गया आपका जो उसकी वैल्यू कैलकुलेट हुई थी उससे रिप्लेस हो गई तो ये लूप कैसे वर्क कर रहा है तो सी ए में आपका पूरा स्ट्रिंग है और फॉर सी एच इन ए तो सी एच में पहले गया जी जी गया तो हम अंदर गए हमने चेक किया कैपिटल जी डॉट इज़ अपर तो यस yes. यहाँ पे अपर ट्रू हो जाता है और हमने कर दिया यू इक्वल टू यू प्लस वन तो यू का वैल्यू जीरो से वन हो गया फिर एलिफ्ट तो हुआ नहीं एग्जीक्यूटिव ये वाला अपर ट्रू हो गया था नेक्स्ट फिर नेक्स्ट सी एच में क्या आया आपका सी एच में आपका आ गया स्मॉल ओ तो स्मॉल ओ इज़ अपर फॉल्स तो एलिफ में चेक किया स्मॉल ओ इज़ लोअर यस तो हमने एल को बढ़ा दिया फिर नेक्स्ट टाइम वापस ओ आया सी एच में तो स्मॉल ओ डॉट इज अपर फॉल्स स्मोलो डॉट इज इज़ लोअर येस ट्रू तो वापस आपने एल बढ़ा दिया देन डी आया तो so, वापस ये इज़ अपर फॉल्स हो गया इज लोअर ट्रू हो गया तो so, एल को हमने बढ़ा दिया स्पेस में ना ये अपर भी फॉल्स हो गया लोअर भी फॉल्स हो गया तो हमने कुछ नहीं किया दैन एम में ये अपर वाला ट्रू हो जाता है एम डॉट इज़ अपर ट्रू तो आपने यू बढ़ा दिया और फिर नेक्स्ट ओ आ गया सी एच में तो सी एच डॉट इज़ अपर फॉल्स हो गया इज़ लोअर ट्रू तो ऐसे ही करते करते आपका लोअर केस टू अपर केस नाइन तो ऐसे आपने फाइंड कर लिया तो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग के ऊपर लूप लगाया एंड हमने यहाँ पे लोअर एंड अपर को फाइंड कर लिया इसको अगर ऐसे करते तो क्या होता आपका रेंज ला के करते रेंज ला के आप तो आप उसमें फिर आपको रेंज देना पड़ता फॉर आई इन रेंज सी एच इन रेंज ज़ीरो कॉमा लेंथ ऑफ ए तो जीरो से लेके लेंथ ऑफ पे अगर उसमें टेन कैरेक्टर है तो आप पे टेन आ जाएगा तो जीरो टू टेन मतलब जीरो टू नाइन चला जीरो टू नाइन टेन तो यहाँ पे आप इंडेक्स रहेगा आई और आप चेक करोगे किस को चेक करोगे ए ऑफ़ आई तो यहाँ पे ए ऑफ़ आई में आपका एम आ गया मतलब जी आ गया ओ ओ डी स्पेस तो सेम वे में एक्सेस कर रहे हैं आपको आंसर सेम ही आएगा यहाँ पे भी ए ऑफ आई तो आई में इंडेक्स आ रहा है देन पूरी स्ट्रिंग का आइथ वैल्यू जीरो वन टू तो थ्री ऑफ जीरो आपका जी हो गया ए ऑफ वन आपका ओ हो गया ए ऑफ टू आपका ओ हो गया ए ऑफ थ्री आपका डी हो गया तो ऐसे रन करते आपको सेम वैल्यू आया तो ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हैं ये हम लोग कब करेंगे जब आपको अंदर अपडेट करना है तो इसके क्वेश्चन आएंगे बाद में हम देखते हैं इसको कब करना चाहिए जब आप सिर्फ रीड करके कुछ फाइंड करना चाह रहे हो इसको कब करना चाहता है करना चाहिए जब आप अपडेट करना चाहते हो उसी में तो इससे आपके पास लोकेशन है ए ओफ़ आई को आपने चेंज कर दिया इसमें क्या हो रहा है आई में कैरेक्टर आ गया तो उसको आप सिर्फ रीड करके कुछ आप कंक्लूजन निकाल सकते हो या कुछ काम कर सकते हो लेकिन इसमें ए ओ ऑफ आई को आप वापस चेंज कर सकते हो या फिर उसका किसी और वे में यूज़ कर सकते हो तो हम आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे क्या कैसे करते हैं वो नेक्स्ट क्या है काउंट नंबर ऑफ अल्फाबैट्स इन अ स्ट्रिंग तो कितने अल्फ़ाबेट्स हैं तो so, के लिए क्या करेंगे आपको सिंपली इज़ एल्फ़ा इज़ एल्फ़ा फंक्शन था वो आप यूज़ करोगे तो स्मॉल uh, हो या फिर कैपिटल हो आपका अल्फाबेट होना चाहिए तो इसी में हम कर लेते हैं अगर वो अप एल्फ़ा है इज़ एल्फ़ा तो आपका ये जो हमने वेरिएबल बनाया था कैरेक्टर तो इसको हम यू ही रहने देते हैं यू इक्वल टू ज़ीरो एल की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे हम मैसेज दिखा देते हैं अल्फाबेट इक्वल टू अल्फाबेट्स इक्वल टू यू तो हमने यू में स्टोर कर रहे अल्फ़ा तो so, ये ये सारे ट्रू हो जाएंगे तो यहाँ पे चार देन ये सारे ट्रू हो गए तो वन टू थ्री फोर फाइव फोर फाइव सिक्स सेवन तो आपके इलेवन कैरेक्टर्स आ गए तो so, ये ट्रू 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 स्पेस फॉल्स हो गया देन मॉर्निंग पूरा ट्रू स्पेस फॉल्स वन टू थ्री फोर फॉल्स तो एक गुड मॉर्निंग के सारे कैरेक्टर आपके यहाँ इलेवन कैरेक्टर आपके ऐड हो गए तो हर एक पे जा रहे हैं हम लोग हर एक पे जाके हम लोगों ने चेक किया अगर वो अल्फा है इज अल्फा है तो ट्रू हो गया और आपने यू को बढ़ा दिया तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन था नेक्स्ट हम देख लेते हैं काउंट नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्ट्रिंग तो डिजिट के लिए क्या है आपके पास तीन फंक्शन है इस डिजिट इज न्यूमेरिक एंड इज डेसिमल तो तीनों आप यूज कर सकते हो तीनों के बीच में छोटा सा डिफरेंस है वो जो वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया वो आप एक बार चेकआउट कर सकते हो तो सेम वे में आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा इज डिजिट अगर वो डिजिट है या डेसिमल या न्यूमेरिक तो तीनों फंक्शन आप यूज कर सकते हो इसको हम कर देते हैं डी तो नाम से सुनने में ठीक लगता है डी तो डिजिट्स डिजिट्स इक्वल टू तो इसमें आपका कितना आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक ये यह पूरा फॉल्स रहेगा आपका हर एक कैरेक्टर फॉल्स हो जाएगा देन वन टू थ्री के लिए आपका वन पे ट्रू टू पे ट्रू थ्री पे ट्रू तो आपका आंसर आ गया डिजिट्स इक्वल टू थ्री तो यहाँ हमने डिजिट्स भी काउंट कर लिया नेक्स्ट हम देख लेते हैं अल्फ़ाबेट्स एंड डिजिट्स इंडिविजुअली तो अल्फ़ाबेट एंड डिजिट को इंडिविजुअली काउंट करना है तो पहले हम लोग डिजिट के लिए चेक कर रहे हैं अगर ये फॉल्स होता है तो हमें अल्फ़ाबेट के लिए भी चेक करना है तो एलिफ एक और कंडीशन लगाने के लिए एल एफ सेम वे में ए ऑफ आई डॉट एस एल्फा अगर वो अल्फाबेट है तो आपने अल्फाबेट के लिए ए एल इक्वल टू ए एल प्लस वन तो एक वेरिएबल बना लेते हैं ए एल वो भी इक्वल टू कॉमा ज़ीरो तो डी एंड ए एल दोनों जीरो है एंड देन नंबर ऑफ अल्फाबेट्स एंड डिजिट्स इक्वल टू कॉर्डिंगली हमने दिखा दिया तो इसको रन करेंगे तो आपका कितना आ गया डिजिट्स थ्री एल्फाबेट्स इलेवन सिमिलर क्वेश्चन टू प्रीवियस क्वेश्चन तो सेम वे में हो रहा है ए ऑफ आई हर बार ए ऑ ऑ ऑ ऑफ आई में आई आपका चेंज हो रहा है जीरो वन टू थ्री फोर फर्स्ट टाइम में जीरो आया ए ऑ ऑफ जीरो को चेक किया नेक्स्ट टाइम में वन आया ए ऑफ वन को चेक किया नेक्स्ट टाइम में टू आया ए ऑफ टू को चेक किया तो ऐसे एक ही करके हर एक कैरेक्टर चेक हो रहा है जीरो वन टू थ्री फोर पोजिशन पे जो भी है सारे कैरेक्टर आपके वन बाय वन चेक हो रहे हैं तो ये ट्रू हो गया तो डी बढ़ा दिया अगर ये ट्रू हो गया तो आपने ए का वैल्यू बढ़ा दिया देन आउटपुट में आपने अकॉर्डिंगली दिखा दिया नेक्स्ट आपका क्या है काउंट नंबर ऑफ स्पेसेस एंड अल्फ़ाबेट्स इंडिविजुअली तो स्पेस कितने आ रहे हैं एंड अल्फ़ाबेट कितने हैं तो ये भी सिंपल है स्पेस के लिए कौन सा फंक्शन था इज़ स्पेस तो यहाँ पे डिजिट के बजाय हमें क्या चाहिए स्पेस तो इज स्पेस फंक्शन है देन आप एक बढ़ा दोगे वेरिएबल एस करके हम बना लेते हैं तो इधर भी एस करके दिखा देते हैं यह आपका स्पेसेस हो गया इक्वल टू एस सिंपली हर एक पे गए उसको चेक किया अगर स्पेस है तो एस वैल्यू बढ़ गया एल्स एल एफ आपने उसको अल्फ़ाबेट के लिए चेक किया अगर है तो एल बढ़ गया अगर वो भी नहीं है ना स्पेस है ना अल्फ़ाबेटा तो आपने कुछ कुछ नहीं हुआ क्योंकि इसके बाद हमने कोई कंडीशन दी नहीं तो रन करते हैं आपके दो स्पेस हैं एल्फ़ाबेटा इलेवन तो दो स्पेस कहाँ पे है एक स्पेस ये रहा एंड देन ये रहा दूसरा स्पेस तो ऐसे आपका ये रन हो रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इज अब यहाँ पे हमको सब करना है अल्फाबेट्स डिजिट्स स्पेसेस एंड स्पेशल कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग तो सारे अल्फाबेट्स को इंडिविजुअली काउंट करो डिजिट्स को स्पेसेस को स्पेशल कैरेक्टर में क्या आ गया आपके जितने भी सारे दूसरे सिंबल हैं ग्रेटर देन लेस देन अल्फा एट द रेट हैश एक्सक्लेमेशन मार्क जितने भी सिंबल है एक्सक्लूडिंग अल्फाबेट डिजिट स्पेसिस तो वो स्पेशल में आ गए तो इसमें हम ले लेते गुड मॉर्निंग वन टू थ्री देन यहाँ पे ले लेते एक्सक्लेमेशन मार्क एट द रेट हैश डॉलर ये सारे सिंबल्स है तो कितने सिंबल है ये एक दो तीन चार एट सिंबल आर देर और तीन स्पेसेस है तीन डिजिट है और आपके ग्यारह तो इसको कैसे करेंगे तो हमें इफ एल्फ एल्फ एल्फ़ करके कंडीशन लगानी पड़ेगी तो अल्फाबेट के लिए ए एल है देन डिजिट के लिए डी बना लेते हैं देन स्पेसिस के लिए एस बना लिया एंड स्पेशल कैरेक्टर के लिए एस सी बना लेते हैं तो चार डिफाइन किए तो कॉमा जीरो कॉमा ज़ीरो तो पहले स्पेस के लिए चेक कर लिया आप किसी भी ऑर्डर में चेक कर सकते हो स्पेस के लिए किया अल्फा के लिए चेक किया देन सिमिलर वे में एलिफ़ हम उसको चेक कर लेंगे इस एल्फा के बाद इस डिजिट के लिए चेक कर लेते हैं इस डिजिट में हम क्या बढ़ाएंगे डी को बढ़ा देंगे एंड देन स्पेस अगर नहीं है अल्फाबेट नहीं है डिजिट नहीं है तो क्या बच जाता है आपके सारे जो एक्स्ट्रा सिंबल हैं तो ये यहाँ पर सिंपली हम एल्स दे देंगे एल्स हमने क्या बढ़ा देंगे स्पेशल कैरेक्टर को यहाँ पे क्या हो रहा है हर एक कैरेक्टर पे आप जा रहे हो उसको आपने चेक किया अगर तो वो स्पेस है तो हमने स्पेस के लिए बढ़ा दिया काउंटर एल्फ अगर वो अल्फाबेट है तो अल्फाबेट के लिए बढ़ा दिया अगर अल्फाबेट नहीं है तो एल्स डिजिट है तो डिजिट के लिए बढ़ा दिया एल्स आपने सिंपली स्पेशल कैरेक्टर एस का काउंटर बढ़ा दिया तो इसका मतलब क्या हो गया अगर ये तीनों फॉल्स हो जाता है तो आपका कोई ना कोई दूसरा ही सिंबल है तो वो सब स्पेशल कैरेक्टर में आ जाएगा तो हमने एल्स में जाके सिंपली सिम्पली एस को बढ़ा दिया तो यहाँ पे दिखा देते सेम वे में स्पेसेस कितने हैं एंड देन डिजिट्स कितने हैं देन स्पेशल कैरेक्टर आपका कितना है तो स्पेशल कैरेक्टर आपके हो जाएंगे स्पेशल कैरेक्टर इक्वल टू आपका था एस सी देन आपका डिजिट्स था डी आपके अल्फाबेट्स है ए एल एंड देन स्पेसेस है एस इसको रन करेंगे तो आपका क्या आएगा आउटपुट स्पेसेस थ्री देखे थे हम लोगों ने इसमें थ्री स्पेस है यहाँ पे यहाँ पे एंड यहाँ पे और एंड देन डिजिट्स भी थ्री आपके अल्फाबेट इलेवन थे एंड देन स्पेशल कैरेक्टर आपके लास्ट के सिंबल एट सिंबल आपके तो ऐसे हम लोगों ने हर एक कैरेक्टर पे गए स्ट्रिंग के और इंडिविजुअल कैरेक्टर को हमने चेक किया विद दीज कंडीशंस तो ये स्ट्रिंग के फंक्शन हमने अप्लाई किए तो सिंपली एल एफ एल एफ एफ एल एफ एल्स कंडीशन लगा के देन आउटपुट में हमने बाहर दिखा दिया तो इस वे में हम लोगों ने इसको सॉल्व किया टू वेज हमने देखे टू हाइट्रेट ओवर स्ट्रिंग तो आप इंडेक्स का यूज करके कर सकते हो या सिंपली आप सीधा स्ट्रिंग पे आप लूप लगा सकते हो तो यहाँ पे देखा था ये इंडेक्स एक्सेस करके देन ए ऑफ इंडेक्स मतलब स्ट्रिंग ऑफ इंडेक्स हर एक इंडेक्स पे गए या फिर आप सिंपली आपने सीधा स्ट्रिंग पे लूप लगाया तो स्ट्रिंग का हर एक कैरेक्टर लूप वेरिएबल में आता गया देन अंदर आप उसको प्रिंट करा सकते हो उस पर काम कर सकते हो जो भी आपका टास्क है वो आप परफॉर्म कर सकते हो तो इसमें अगर कोई भी आ, डाउट वाउट लग रहा है आपको तो इसको वापस देखो कमेंट में नीचे बताओ एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व देम सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन